आशा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। अंततः डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। वे पहले राष्ट्रपति बने अमेरिका के जिनके खिलाफ दो दो बार महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चलाई गई और पूरी हुई। और निश्चित तौर पर हम सब के लिए यह बड़ा सबक है कि जिस तरह से अमेरिका में लोकतंत्र को बचाने वाली ताकतें ट्रंप के खिलाफ एकजुट हुई और ट्रंप ने अपने समर्थकों के साथ जिस तरह से अमेरिकी संसद पर हमला बोला, हिंसा के लिए लोगों को उकसाया, उसकी सजा उन्हें वहां पर देने की प्रक्रिया एक मुकाम तक पहुंची। और ऐसे में निश्चित तौर पे हमें और आपको, तमाम भारतवासियों को याद करना चाहिए कि किस तरह से इन्हीं राष्ट्रपति के स्वागत में नमस्ते ट्रंप हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो गहरी दोस्ती थी, वह क्या क्या गुल खिलाया उसने भारत में और अमेरिका में, इसे याद करने का दिन आज का दिन है। और खास तौर से अगर हम नमस्ते ट्रंप याद कर रहे हैं तो हाउडी मोदी जिस तरह से हुआ था अमेरिका में, ट्रंप के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे थे और शायद यही वजह रही कि भारत के झंडे को भी शर्मसार होना पड़ा। वहां जो उग्र भीड़ उतरी थी उसमें ट्रंप समर्थक, मोदी समर्थक, विश्व हिंदू परिषद और बाकी संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति भारत का झंडा लेकर पहुंचे थे अमरीकी संसद पर हमला बोलने के लिए। ये बिल्कुल अलग ढंग का परिपेक्ष है, अलग ढंग से दुनिया में लोकतंत्र की दोबारा परिभाषा रची जा रही है, गढ़ी जा रही है। लोकतंत्र की बात हो रही है, ऐसे में भारत में जो लोकतंत्र का हाल है, भारत में जो लोकतंत्र के खंभे हैं उनकी जो स्थिति है उसका हाल बयां कर देता है सुप्रीम कोर्ट का किसानों के जो संघर्ष चल रहा है उस पर आया फैसला। जिस तरह से उसने जो चार सदस्यों की कमेटी बनाई, उन सदस्यों के नाम अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। एक सदस्य तो पीछे हट गए, उन्होंने अपना नाम पीछे खींच लिया क्योंकि शायद उन्हें लग रहा था कि यह कमेटी इतनी डिस्क्रेडिटेड, इसकी साख इतनी न्यूनतम है या कुछ भी नहीं है कि इसमें अगर नाम जाएगा तो भविष्य में वे किसानों के हक की बात नहीं कर पाएंगे। इस कमेटी के सदस्यों के बारे में, उनकी कारगुजारियों के बारे में, उनके विचारों के बारे में बहुत बात हो चुकी है, लेकिन यहां मैं बस जिक्र यह करना चाहूंगी कि जिस समय देश की राजधानी को, दिल्ली को, चारों तरफ से किसानों ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ घेर रखा है, वे भीषण सर्दी के बीच जमे हुए हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से हस्तक्षेप किया, जिस तरह से चार सदस्यों की कमेटी बनाई जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी, उससे यह साफ होता है कि भारत में लोकतंत्र को बचाने वाली संस्थाएं कितनी लचर हैं। इस कमेटी को सबने रद्द कर दिया, इनके नाम तो माशाल्लाह हैं, भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस लिया, बाकी अनिल घनावट हैं, अशोक गुलाटी हैं और डॉक्टर पी के जोशी हैं, और ये चारों लोग खुलकर इन तीन कानूनों के समर्थन में अपना पक्ष जब जाहिर कर चुके थे। और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप किसानों को एक लंबी लड़ाई की ओर ढकेलने वाला दिखाई दे रहा है। जब लोकतंत्र की बात हो रही है, जमहूरियत की बात हो रही है, ऐसे में महिलाओं पर जो हमले हैं, महिलाओं की गरिमा पर जो ठेस पहुंचाने वाले बयान या फैसले आ रहे हैं, कानून बन रहे हैं, उन पर जिक्र होना बेहद जरूरी है। ऐसा ही एक बयान अभी आया है रक्षा मंत्री से माफी मांगने वाला। यह बयान जारी किया है द नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने। उन्होंने मांग की है कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी रक्षा मंत्री को तमाम महिलाओं के साथ देनी चाहिए। यह पूरा का पूरा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के एडल्ट्री वाले केस से जुड़ा हुआ है, जो एडल्ट्री पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उस पे रक्षा मंत्रालय ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है वह भीषण आपत्ति वाला है। इस
पूरे के पूरे बयान को, पूरे के पूरे स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इससे पता चलता है कि महिला विरोधी सोच कितनी पीक पैनी है, कितनी अंदर तक घुसी हुई है और सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है। NFIW ने साफ तौर पर कहा है कि रक्षा मंत्रालय ने जिस तरह से एडल्ट्री वाले मामले में यह माना है कि सेना के जवान जो सरहद पे लड़ रहे हैं, हजारों किलोमीटर दूर अपने परिवार से हैं, उनके ऊपर एडल्ट्री वाला यह फैसला नकारात्मक असर डालेगा। उसमें उन्होंने कहा है कि उनके परिवारों के बारे में जब वो सोचेंगे, अपनी पत्नी के बारे में वह सोचेंगे, तब उनका लड़ने से मन नहीं करेगा। इस बारे में हमने बात की NFIW की नेता एनी राजा से। आइए सुनते हैं एनी राजा क्या कह रही हैं, माफी क्यों दे देश का रक्षा मंत्री। एनी, ये बताइए कि अभी आपने एक पत्र लिखा है NFIW ने, और उसने आपत्ति जताई है जिस तरह से रक्षा मंत्रालय ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपना कमेंट ऑब्जर्वेशन दिया है, वो क्या मसला है और क्यों आपको दिक्कत है? देखो, डिफेंस मिनिस्ट्री ने उच्चतम न्यायालय के सामने एक अर्जी लगाई है जो अडल्ट्री एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को पूछ कर ये किया था, एप्लीकेशन डाला है, और उसमें ये मिनिस्ट्री ने ये कुछ चीज़ें बोल रही है। वो बोल रहे हैं कि अपना एक सिस्टम है जो ऐसा जो गुने को एड्रेस करने का, ऐसा ऐसा क्राइम्स को एड्रेस करने का, वो पनिशमेंट के बारे में भी बोल रही है, मगर उसमें ये भी लिखा है जो इंस्टेबिलिटी पैदा करती है इस कानूनों के वजह से तीनों जो फोर्स के अंदर, और ये भी है जो बॉर्डर पे जो जवान है या ऐसा इम्पोर्टेंट जो ड्यूटी पे है, वो उनकी मन में ये चिंता होगी अपनी घरों में जो अपनी स्पाउसेस है वो जो अनवांटेड एक्टिविटीज़ में शामिल होगी, ये एक चिंता जवानों की मन में, तीनों फोर्स की जो मन के अंदर ये होगा। मतलब उस जवाब से यह लगता है कि उसमें कहा गया है कि जो सैनिक हैं, जो सीमा पर हैं, वो सोचेंगे कि उनकी पत्नियां एडल्ट्री में शामिल हैं, जो ऐसा इनडायरेक्टली वही अनवांटेड एक्टिविटीज़ में शामिल होगा, इसका मतलब क्या है? एक तो है ये इंसल्टिंग है जो पूरी हमारी फोर्स की जवानों का, तीनों फोर्स की जवानों का और उनकी परिवार का, खास कर महिलाओं को जो अपनी एक पर्सनल इंटेग्रिटी के ऊपर, दोनों की पर्सनल इंटेग्रिटी पर प्रश्न खड़ा कर रहे, और ये बिल्कुल एक वायलेटिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वीमेन, ये भी मैं कहना चाहती हूँ। इस प्रकार का एक अपना आर्गुमेंट वो दे सकती है, मगर वो जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पूछ रही है एक कानून का, उसके अंदर ये चीज़ से डालने का, जवान आप देखिए, अबे हमें बार बार ये बोल रहे कि जवान बॉर्डर पे खड़ा है इसलिए आप लोग सुरक्षित है करके बोल रहे, उन्हीं जवानों के बारे में डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोल रहे, उन्हीं के मन में जब वो ड्यूटी पे होगा तो उसके मन में अपनी घरों में जो महिलाएं हैं उन महिला अनवांटेड एक्टिविटीज़ में शामिल होगा करके या ना होगा करके एक चिंता उसके मन में होगी। तो हमने ये बहुत बड़ा एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि जवानों की सिंसियरिटी के ऊपर, उसका जो निगरानी के ऊपर, उसका अलर्टनेस के ऊपर, इसका ओवरऑल एक कमिटमेंट अपनी ड्यूटी के ऊपर जो दिखा रही, उसी के ऊपर डिफेंस मिनिस्ट्री खुद प्रश्न खड़ा कर रही है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं सुप्रीम उच्चतम न्यायालय को भी, वो भी इसको सीरियसली ले, और डिफेंस मिनिस्टर आर्मी जो सेना जवानों को भी, उनके परिवारों को भी अनकंडीशनल अपोलॉजी करे। इतना इंसल्ट किया है उसका, उसका पर्सनल इंटेग्रिटी को क्वेश्चन किया है, उसका मॉडेस्टी को वायलेट किया है, इसके लिए डिफेंस मिनिस्टर अनकंडीशनल अपोलॉजी मांगना चाहिए। एक तरफ रक्षा मंत्रालय और वहाँ दूसरी तरफ बैठे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने भी जबरदस्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए वे चाहते हैं कि जो भी कामकाजी महिला है जो घर से बाहर निकल रही है, वे सबसे पहले स्थानीय पुलिस थाने में अपना नाम, पता, नौकरी की जगह सब कुछ दर्ज कराए। क्यों? क्या? ताकि उसे ट्रैक किया जा सके। सारा का सारा खेल है महिला सुरक्षा के नाम पर। अब आप ये सोचिए, अगर मुझे, आपको, आपके घर की तमाम महिलाओं को अपनी सुरक्षा की गारंटी करने के लिए थाने में रजिस्टर कराना पड़ेगा और थानेदार और पुलिस कांस्टेबल हमारे आपके पीछे दौड़ेंगे, तो हम कितना सुरक्षित रह पाएंगे? ये जो सोच है, ये जो पितृसत्तात्मक सोच है शिवराज सिंह चौहान की,
यह 100% निंदनीय है। और मुझे लगता है कि तमाम महिलाएं जो घरों से बाहर निकलती हैं, तमाम लड़कियां जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं, वे सिरे से इस तरह के सुरक्षा कवच को नकार देंगी और उन्हें नकार देना चाहिए। इस बारे में हमने बात की एक दो लड़कियों से जो काम पर जाती हैं, आइए जानते हैं वे क्या कहती हैं कि अगर ऐसा कुछ कानून बने तो क्या वे सुरक्षित होंगी या ज्यादा असुरक्षित। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं थाने में जाना चाहूँगी नॉर्मल सिचुएशन में। आई डोंट थिंक कि कोई भी वर्किंग वूमेन पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को रजिस्टर कराना चाहेगी, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। और जैसे कोई भी क्राइम होता है वुमेन्स के अगेंस्ट में, तो हम लोग देखा है हमने और पिछली जितने भी क्राइम्स हुए हैं या जिस तरीके से डाटा बढ़ रहा है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए, तो उसमें हम जो क्रिमिनल हैं हम उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से। हम क्यों विक्टिम बन के अपने आप को रजिस्टर कराएं पुलिस स्टेशन में जाके? कोई आई डोंट थिंक कि कोई भी नॉर्मल वुमेन वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर या पुलिस स्टेशन में जाना प्रेफर करती है। और ये बात है कि बहुत सारे, ये तो है पहले अपने राज्य के अंदर महिलाओं के ऊपर इतना जो दुर्घटना नहीं, इतना क्राइम्स हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो कानून आज हमारी हाथ में है वो कानून को सही तरीके से लागू करने के लिए कोई आप जो स्टेप्स नहीं लेगी। मगर आप बोल रहे सुरक्षा के नाम पे उनको, उन सबको क्रिमिनलाइज करने का, वो सबको पुलिस स्टेशन में जाकर रजिस्टर करना है और पीछे भी करेगी, दूसरी राज्यों में जाकर नौकरी कर रहे तो उधर भी वो पीछे करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ जो नौजवान लड़का लड़कियों, खास कर लड़कियों का जो प्राइवेसी पे जो एक अटैक है, और ये एक जो मनुवाद मेंटालिटी दिखा रहे कि महिला स्वतंत्र नहीं है, महिला को किसी का निगरानी होना चाहिए, ये किसी का कंट्रोल में होना चाहिए, ये हम इसको बिल्कुल कंडम करती हूँ, इसको निंदा करती हूँ कि ऐसा। सरकार को पहले ये करना चाहिए अपने राज्य में जो महिला के साथ क्या क्या क्रूरता से जो क्राइम्स नहीं हो रहे वो उसको पहले आप कंट्रोल करो। आप बाकी चीज़ों के बारे में बाकी राज्य में जाके लड़कियाँ, आपकी मध्य प्रदेश की लड़कियाँ को उसके लिए उधर जो जो सरकार है वो सरकारें देखेंगी। आप पहले आपके राज्य की महिला को सुरक्षा कौन, आपकी संविधानिक जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पहले आप निभाओ, महिला लड़कियों को कंट्रोल करना बाद में करो आप। इसी बीच एक अच्छा फैसला भी आया है, यह अच्छा फैसला आया है उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट से। वहां हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को हिंदुत्ववादी पितृसत्ता शासन के लिए एक अलग ढंग की प्रयोग स्थली में तब्दील कर रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने प्रेम पर कंट्रोल करने के लिए अंतरजातीय और अंतरधार्मिक रिश्तों को, शादियों पर नियंत्रण करने के लिए एक बहुत ही खौफनाक कानून लेकर आए हैं वे, जो एंटी कन्वर्जन लॉ के रूप में जाना जाता है और जिसे प्रचारित किया जाता है लव जिहाद के खिलाफ कानून। और इसकी सुनवाई के दौरान बिल्कुल दूसरे ढंग का फैसला दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, वहां एक दूसरा मामला था और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह का खौफ का माहौल राज्य में बना दिया गया है, वहां पर स्पेशल मैरिज एक्ट, यानी जो स्पेशल मैरिज के तहत, एक्ट के तहत जो शादियां होती हैं, सामान्य तौर पे जो अंतरजातीय या अंतरधार्मिक शादियां हैं जिसमें बिना धर्म परिवर्तन के शादियां होती हैं, उसमें 30 दिन की जो नोटिस देने वाली बात थी, बाहर पब्लिक डोमेन में अपनी शादी का अनाउंसमेंट करने की बात थी, वह नियम लागू करना जरूरी नहीं है। इसमें ढील देने की, इसमें छूट देने की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और इसका जो फैसला है वह निश्चित तौर पर पढ़ा जाना चाहिए, इस पे बड़ा चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे उत्तर प्रदेश या बाकी राज्यों में प्रेम विवाहों पे जो कुठाराघात किया जा रहा है उस पर एक अपना बहुत स्पष्ट स्टैंड लिया है। यहां महिलाओं की लिबर्टी पर उन्होंने कहा है कि इसमें उनकी जो निजता है, उनकी जो स्वतंत्रता है, उसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। किसानों का आंदोलन हो या महिलाओं की अपनी गरिमा की अधिकार की लड़ाई, सारी लड़ाइयां बहुत तेज हो रही हैं और किसान से लेकर महिला, मजदूर, सारे लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि देश का संविधान
उन्हें जो सम्मान से जीने की गारंटी देता है, अपने हक के लिए लड़ने की गारंटी देता है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। और शायद आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल आपके और हमारे बीच यही है कि किस तरह से डेमोक्रेसी सही मायनों में जिंदा रहे। शुक्रिया। Thank you.